हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरा नाम डॉक्टर फजिया यास्मीन है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर प्रेगनेंसी केयर के हवाले से, और हम ये देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें नॉर्मल हैं और क्या चीज़ें एबनॉर्मल है, और क्या ये एक हाई रिस्क टाइम पीरियड है, या यूँ कह लें कि क्या ये वो वाला टाइम पीरियड है जिसमें हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स होती है, 280 डेज यानी 280 दिनों पे मुश्तमिल होता है इसका टोटल दौरानिया जो होता है। और इस सारे टाइम पीरियड को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 हिस्सों में, जिसको हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टाइम पीरियड है ये स्टार्ट होता है लास्ट मेंसुरल पीरियड की डेट से लेके 12वें हफ्ते के एंड तक। और ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि इसमें बच्चा बन रहा होता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे होता है। इस जिस्म के बहुत से ऑर्गन्स बनते हैं इस टाइम पीरियड में, बच्चे की जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम पीरियड में सारे सिस्टम बन जाते हैं, और या यूं का अगर ये कहा जाए कि ये कंप्लीट इंसान का स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये अपनी सबसे छोटी फॉर्म में होता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में होता है। तो और इसके अलावा इसमें जो फीमेल की बॉडी है उसमें भी चेंजेस आ रही होती हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। इसको हम नॉर्मल टाइम पीरियड लेते हैं, क्योंकि अगर ये इसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई प्रेगनेंसी की अपनी प्रेगनेंसी से पहले कोई फीमेल में कोई मेडिकल इशू नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला, या गुर्दों की बीमारी, या थायराइड, या एपिलेप्सी, कोई ऐसा भी मसला नहीं है, तो ये एक नॉर्मल टाइम पीरियड होता है। अभी इस टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जहन नशीन कर लेनी है, वो ये हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी का डाउट हो, जो कि सबसे पहले जो फर्स्ट जो पहली अलामत होती है वो ये होती है कि मेंसेस नहीं आते। और बहुत से आपने देखा होगा कि जैसे बहुत से मूवीज़ में और ड्रामों में दिखाया जाता है कि वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, जिसे बहुत से लोग एज्यूम कर लेते हैं, या एक क्लियर इंडिकेशन होती है कि ये एक प्रेगनेंसी का स्टार्ट है। तो इसके सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी कन्फर्म करने के लिए स्ट्रिप्स अवेलेबल है, मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स कहते हैं। इसमें यूरिन पे ये टेस्ट किया जाता है, और इसमें क्लियर इंडिकेशन हो जाती है जब 2 क्लियर लाइन्स नज़र आती हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते हैं। आपने सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप है वो इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने गायनाकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। अगर आप प्री प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे या प्री कंसेप्शन के टाइम पे आपने अगर कोई किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। आपको हॉस्पिटल का कंफर्म होना चाहिए, और आप उधर अपनी कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक कर लें। इसको हम बुकिंग विजिट कहते हैं। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट अपनी कन्फर्म कर लें। जी, प्री प्रेगनेंसी विजिट या प्री प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, ये वो वाला टाइम होता है कि जिसमें कपल प्लान करते हैं कि हम प्रेगनेंसी करेंगे। तो उसके लिए उनको आइडियली स्पीकिंग कि उनको एक विजिट करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को, ताकि वो गायनेकोलॉजिस्ट असेसमेंट कर सकें कि उसमें फीमेल में या उनकी फीमेल में या उसकी अपनी फैमिली में कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है कि जिससे कि ये प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सके। और स्पेशली ये उन केसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसमें कि फीमेल को अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दमा, टीबी, या फिर कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई थायराइड का मसला है, एपिलेप्सी है, तो इन सब कंडीशंस में कुछ मेडिकेशंस ऐसी वो ले रहे होते हैं या मेडिसिन ऐसे ले रहे होते हैं जो प्रेगनेंसी में बेबी के लिए अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसके ऊपर ग्रोथ का और उसके अलावा बनावटी नुकायस हो जाते हैं, तो इसलिए वो हमें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इन सब कंडीशंस में प्री प्रेगनेंसी विजिट बहुत ज़रूरी है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो, तो आप फौरन से अपने गायनेकोलॉजी से ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि इसमें स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फीमेल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपका प्लान कुछ ब्लड टेस्ट प्लान करती हैं, और बुकिंग विजिट पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड 6 से 8 वीक्स के दौरान फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है वो उसमें कंफर्म करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। इसमें हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी लोकेटेड कहाँ है, या प्रेगनेंसी किस जगह पे बन रही है। आइडियली ये यूटरस के अंदर होनी चाहिए, इसको नॉर्मल लोकेशन कहते हैं।
लेकिन कुछ कंडीशंस में देखा गया है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में लोकेट हो जाती है, ट्यूब में ग्रो करना शुरू कर देती है। इस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये एक खतरनाक कंडीशन होती है और इसमें अगर ये टाइमली डायग्नोज ना हो तो ट्यूब फट जाती है और माँ की जान को खतरा होता है। तो इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो आपने अपने गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करना है और उसमें हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि प्रेगनेंसी सही जगह पे ग्रो कर रही है कि नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूल आउट करने के बाद का जो गायनोकोलॉजिस्ट प्लान करते हैं कि अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड कब किया जाएगा, जिसमें बच्चे की ग्रोथ और उसके हार्ट रेट और अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें सर्विक्स की कंडीशन के ऊपर हमें कमेंट चाहिए तो हम फिर वो प्लान किया जाता है, प्लान करते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाली है वो है फॉलिक एसिड इनटेक। ये यूजुअली हम प्री प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के दौरान ही स्टार्ट कर देते हैं, यानी प्रेगनेंसी से तकरीबन 3 माह पहले प्लान ये स्टार्ट कर दिया जाता है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखते हैं। और ये इसकी जो रूटीन की जो डोज होती है वो होती है 5 मिलीग्राम पर डे। तो ये बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है और बनावटी जो दिमाग के बनावटी नुकायस हैं उनसे बचाने के लिए हम फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। नेचुरली जो देखा जाए तो कुदरत ने जो सब्ज पत्ते वाली जो सब सारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उन सब में फॉलिक एसिड वाफर मकदार में मौजूद होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग हमारे कुकिंग का पैटर्न ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना पकाते हैं, भूनते हैं, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड जो है वो ख़त्म हो जाता है खुराक में, उसमें मुनासिब मकदार में नहीं होता, तो इसलिए हमें फॉलिक एसिड देना पड़ता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये जहन नशीन रखना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान वॉमिटिंग, दिल ख़राब होना, उल्टी आना, मतली आना और मैदे में जलन, तेजाबियत, ये सारा एक प्रेग्नेंट फीमेल में ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर इसकी वजह से पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा कम्प्रोमाइज हो जाए और उसको दिल ख़राब होना और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाए और वो इस हद तक उसकी तबीयत ख़राब हो जाए कि उसका वेट जो है प्रेगनेंसी से पहले जो वज़न था उससे 5 kg मज़ीद कम हो जाए और उससे रोटी जो नॉर्मल पानी है वो भी उसकी बॉडी में नहीं रह रहा और वो उसको पानी पीना भी मुश्किल हो रहा है और पानी पीते भी उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सीरियस कंडीशन है। और इसमें फिर कुछ यूरिन के भी टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ बॉडी टेस्ट, इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें ये कन्फर्म होता है कि ये सीरियस कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हाइपरएमेसिस ग्रेविटेरियम कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसको ड्रिप्स लगाई जाती हैं और वॉमिटिंग के कंट्रोल के लिए उसको आईवी फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में मेडिसिंस दी जाती हैं। जो रूटीन की जो नोजिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी है या जो अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में ओरल मेडिकेशन या टेबलेट से ही पेशेंट को आराम आ जाता है। इसमें जो बहुत ही एहतियात करने वाली चीज़ है, जो जहन नशीन रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि इसमें पेशेंट का जो दिल करता है वो खाएं और ज़्यादा अमाउंट में ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। इसमें फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स खाएं, जूसेस पिएं और जूसेस डब्बे वाले जूस नहीं, घर के में फ्रेश फ्रूट जूसेस बनाएं और जूसेस थोड़े थोड़े करके, अगर पूरा एक गिलास एक टाइम पर नहीं पिया जाता तो थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से पिएं। घर की बनी हुई हल्की नरम दूध हजम गज़ा खाएं, दलिया, खिचड़ी और ऐसी चीज़ें भी खाई जा सकती हैं, सूप्स पिए जा सकते हैं, सूप में रोटी नरम करके भी डिप करके अच्छी तरह खाई जा सकती है। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग थी कि उससे पानी भी हजम होना मुश्किल था और उसकी कंडीशन ज़्यादा इसलिए ख़राब हो रही थी कि उसके घर वाले उसको बार बार यही स्ट्रेस कर रहे थे कि आप रोटी ज़रूर खाओ। वो जैसे वो रोटी खाती थी, रोटी की खुशबू से या रोटी की स्मेल से या उसकी उसको देख के ही उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। तो यहाँ ये बात जहन नशीन रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि रोटी खाई जाए, ज़रूरी नहीं है कि चावल खाए जाएँ या प्रॉपर जो डाइट है वो खाई जाए। पेशेंट का जो दिल कर रहा है वो अगर वो मुझे सेहत नहीं है चीज़ तो वो खाई जा सकती है, फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, फ्रूट्स फ्रेश फ्रूट जूसेस पिए जा सकते हैं,
इसमें भी इतनी ही एनर्जी अवेलेबल होती है जितनी कि डाइट में होती है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी सर दर्द के लिए या पेट खराब होने के लिए, जो रूटीन में प्रेगनेंसी से के बाहर के बगैर जो बहुत से आदत होती है, बहुत से लोगों को सर दर्द में पेनडोल खा ली कुछ ऐसी मेडिकेशन, तो आपने सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। कोई भी दवाई डॉक्टर की या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल करनी। प्रॉपर रेस्ट करना है। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत कम्प्रोमाइज होती है। पेशेंट को बहुत से ख्यालात आते हैं माइंड में प्रेगनेंसी को लेके, और जो डिफरेंट उसने लिटरेचर, अगर बहुत से लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, इंटरनेट पे आजकल बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अदरवाइज मैं कुछ बुजुर्ग या इनके फ्रेंड्स बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं, और कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट बिलीव्स या डिफरेंट मिसकंसेप्ट्स या वरीज परेशानियां उनके माइंड में आ जाती हैं कि प्रेगनेंसी होता ना खासा मिसकैरेज ना हो जाए, वॉमिटिंग, ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, जॉब का क्या होगा, अगर वो वर्किंग लेडीज हैं तो उनको जॉब का स्ट्रेस होता है। और इसके अलावा फिर डिलीवरी के लिए भी वो बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव होती हैं कि डिलीवरी का प्रोसेस क्या होगा और कॉम्प्लिकेशंस, और ये सारी चीज़ें लेके वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होती हैं। इस कंडीशन में उनका रेस्ट करना, उनका मेंटली रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। अब हर पेशेंट को पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो मेडिटेशन भी है, योगा भी है, लाइट एक्सरसाइजेस हैं। आप अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बुक रीडिंग है, गार्डनिंग है, लाइट एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइट एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना जिसमें कि लाइट एक्सरसाइज है, लाइट वॉक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो, हैवी वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दो, नहीं। आपने सिर्फ 20 to 40 मिनट्स की हल्की फुल्की वॉक करनी है, और जिस दिन आपको लगे कि मैं वॉक नहीं कर सकती, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी कम है, तो उसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आप वॉक करें। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, लाइट एक्टिविटीज़ जारी रखें, और अगर आप जॉब पे जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल केयर के आने जाने के लिए ट्रैवलिंग टाइम केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवलिंग में स्पेशली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे इर्द गिर्द जो फिज़ा है ये बहुत आलूदा हो चुकी है। इसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, तो इसमें आप मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने फेस नोज़ के ऊपर और फेस के ऊपर कवर रखें, मास्क पहनें, और अगर कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ में कई दफ़ा होता है कि इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से अपने ऑक्यूपेशन का ज़रूर डिस्कस करें कि वो ऑक्यूपेशन आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। अगर खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो ड्राइविंग सीट बेल्ट्स का इम्पॉर्टेंट, ये प्रेगनेंसी केयर के लिए स्पेशल सीट बेल्ट होती हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये भी देखा गया है कि बहुत से पेशेंट को इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा नींद आती है, ये बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, या उनको महसूस होता है कि जैसे जिस्म में कोई जान नहीं है। बहुत से पेशेंट इस कंप्लेंट से आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सारा दिन सोए रहते हैं, हमें बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं होती, उठा नहीं जाता, उठें तो चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। इसमें आप जितनी देर रेस्ट करना चाहें आप रेस्ट कर सकते हैं। इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पार्टनर की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स जो किचन में जो खुद काम करती हैं उनमें किचन की के ऐसे एडजस्टमेंट करें कि ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़े, और साथ साथ अपने आप को कुछ ना कुछ जूसेस और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और मेरी इससे पहले जो प्रेगनेंसी केयर की एक डिटेल वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि नॉर्मल रूटीन में क्या क्या एडजस्टमेंट की जा सकती हैं। शुरू के दिनों में जहाँ पे पेशेंट को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। इसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत से पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ की खुशबू या बदबू बहुत ज़्यादा महसूस होती है, स्पेशली जब खाना कुकिंग हो रही होती है, जब खाना पक रहा होता है, उसकी भी स्मेल से बहुत से लोगों का में वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। अच्छी या बुरी खुशबू या बदबू ये चेंज हो चुका होता है, उसके परसेप्शन नॉर्मल से ज़्यादा महसूस होती है।
तो ये इसमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, और इसमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होता है तो इसमें पेशेंट की बहुत हद तक ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इस सारे टाइम पीरियड के दौरान सेक्स से हम लोग कहते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि बेबी के भी फीटस अभी ग्रोइंग स्टेज में होता है, और इस टाइम पे जितना भी रेस्ट किया जाए तो ये बेहतर है। और कई दफ़ा हम ये स्टडीज ने प्रूव किया है कि पेनिट्रेटिव सेक्स से डिफरेंट हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं कि जिससे कई दफ़ा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड असेक्सुअल एक्टिविटी स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले 12 हफ्तों में कोशिश करें कि सेक्स को अवॉइड करें। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि बहुत से पेशेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उल्टी और ये मतली और ये GIT जो अपसेट होता है, इसकी वजह से ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता और उनका वेट जो है ज़्यादा गेन नहीं होता, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इस टाइम पीरियड के दौरान वेट गेन नहीं होता, वेट गेन जो है वो यूजली या वजन का बढ़ना प्रेगनेंसी की वजह से, ये यूजली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट से ज़्यादा खाया नहीं जाता, और उसके साथ साथ उसको वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं, तो इस सूरत में उसका वेट गेन नहीं होगा, तो इसमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें स्मोकिंग अवॉइड करनी है, चाहे आप खुद स्मोक करते हैं या आपका पार्टनर स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन फैमिली में स्मोक करता है, तो एक्टिव और पैसिव इसको स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जिसमें कि पेशेंट खुद स्मोक करता है, पैसिव वो है कि जिसमें कोई सेकेंड या थर्ड पर्सन स्मोक करे तो उसकी सिगरेट का जो धुआं है वो आप इनहेल कर रहे हो, ये बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ पैटर्न भी देखे गए हैं, और इसके अलावा कंजेंडर एबनॉर्मेलिटीज भी देखी गई हैं। और जो प्री प्रेगनेंसी पीरियड में अगर कोई कपल प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो इस टाइम पीरियड में भी एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग से अवॉइड करना है, अल्कोहल से अवॉइड करना है, और इसके अलावा जो कैफीन इंटेक है, यानी यूजली ये समझा जाता है कि सिर्फ कॉफ़ी में होती है, लेकिन स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ये कॉफ़ी, ग्रीन ये जो चाय है इसमें भी होती है, ग्रीन टी में भी होती है, कुछ ड्रिंक्स है कोला वगैरह इसमें भी होती है, चॉकलेट्स में भी होती है, तो इसलिए आपने इनकी मिनिमम कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। 1 या 2 कप कॉफ़ी पर डे ली जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन चीज़ों से अवॉइड करें। खांसी, गला ख़राब होना, पेट का ख़राब होना, और इसके अलावा कब्ज़ का नहीं होना चाहिए, GI अपसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस चीज़ को कि पेट ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम, क्योंकि इसमें डायरिया हो जाता है, डायरिया की वजह से फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन, ये पहले ही नोज़िया वॉमिटिंग की सिचुएशन होती है, इसलिए हम चाहते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं कि बाहर से बाहर का बना हुआ खाना ना खाएँ, बेक आइटम्स ना लें, होम मेड लाइट डाइट का इस्तेमाल करें, और स्पाइसी फूड, ऑयली फूड और जो कैंड फूड है इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी। और जिन पेशेंट्स में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है उनमें डाइट चेंजेस के साथ साथ ये देखा गया है कि जिंजर टी यानी अदरक की चाय पी जाए, अदरक की चाय पी जा सकती है, पुदीने की चाय बना के पी सकते हैं। इसके अलावा पुदीने की चटनी का भी बहुत अच्छा रोल है, और पुदीने की अगर दही वाली चटनी बना के खाई जा सकती है, कि अदरक जिंजर टी है, जिंजर कैप्सूल्स भी मिलते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल तो सिंपल अदरक की छोटी सी पीस बना के मुंह में भी रखा जा सकता है और उसको सक करें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग में कंट्रोल होता है। जो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो ये है कि इस टाइम पीरियड के दौरान इस टाइम में ब्लड स्टेन वजाइनल डिस्चार्ज या ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर ब्लड स्टेन वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, या जिस्म के निचले हिस्से में पेल्विक एरिया में या लोअर एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाए, तो ये एबनॉर्मल है। इन सब कंडीशन में आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना है। ये आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये प्रेगनेंसी का कन्फर्म होना एक बहुत ही खुशी की वाली बात होती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो पेशेंट है, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है कपल के लिए और पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए, ये बहुत ही खुशी वाली बात होती है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक
हेल्दी और एक खुशी वाला टाइम पीरियड हो सकता है पेशेंट की फिजिकल और मेंटल अगर हेल्थ का ख्याल रखा जाए और उसके फिजिकल और मेंटल सपोर्ट दी जाए और घर का जो माहौल है वो कंफर्टेबल बना दिया जाए और पेशेंट की इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए उसके साथ इन सब चीज़ों में जो प्रेगनेंसी है, जो ग्रोइंग प्रेगनेंसी है, उसको वेलकम किया जाए और उसमें पेशेंट के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करेंगे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू।